समाज में नाच गाकर बधाई देने वाले किन्नरों में ही अब वर्चस्व की लड़ाई सामने आई। दरअसल भोजपुर जिले के बिहिया में किन्नरों की ओर से क्षेत्र के बंटवारे के विवाद को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। ये मामला थाने में पहुंच गया। इसमें एक पक्ष के किन्नरों ने थाना अध्यक्ष से गुहार लगाई थी। थाना अध्यक्ष उदय भानु सिंह की पहल के बाद दोनों गुटों में समझौता कराया गया, जिसके बाद थाने में भारी संख्या में उमड़े किन्नरों ने खुशी में ढोलक की थाप पर जमकर नाच गाकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान थाना परिसर में जमकर तमाशा हुआ, जिसे देखने के लिए आसपास के लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बाद में थानाध्यक्ष ने सभी किन्नरों को मिठाई खिलाकर विदा किया। दरअसल विनायक राय उर्फ छोटी किन्नर और मंजू किन्नर और उसके साथी मिस्टी किन्नर के साथ क्षेत्र में काम करने को लेकर कुछ दिनों पहले झड़प के बाद बात देख लेने तक पहुंच गई। छोटी किन्नर जो बेहिया और आसपास के क्षेत्रों में नाच गाकर कमा खा रही थी, उसका कहना था कि वो लोकल है, इसीलिए बिहिया जगदीशपुर क्षेत्र में ही कमाएगी। जबकि मिस्टी और मंजू किन्नर का कहना था कि उनके गुरु ने कमाने खाने के लिए ये क्षेत्र उन्हें दिया है, इसीलिए यहाँ कोई दूसरा नहीं रह सकता। विवाद की सूचना पर किन्नरों के गुरु तारा किन्नर उर्फ तारा गुरु सैकड़ों किन्नरों के साथ आरा से बिहिया पहुंची। इधर छोटी किन्नर भी अपने साथियों के साथ किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार बैठी थी। एक बार तो लगा कि कुछ अनहोनी न हो जाए। इससे पहले सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष ने किन्नरों के दोनों गुट को थाने बुलाया। फिर शुरू हुआ समझौता कराने का मैराथन। काफी प्रयास के बाद थाना अध्यक्ष के पहल पर दोनों गुटों में कुछ शर्तों के साथ समझौता हुआ। समझौते के अनुसार तारा किन्नर उर्फ तारा गुरु ने विनायक राय उर्फ छोटी किन्नर को अपना चेला मानकर किन्नरों के परिवार में शामिल किया और उसे कमाने खाने के लिए सहार प्रखंड का क्षेत्र दिया। बदले में छोटी किन्नर ने दूसरे किन्नर के क्षेत्र में बिना गुरु के अनुमति के काम करने के लिए माफी मांगी और आज की बात दूसरे के क्षेत्र में काम न करने और गुरु के नेतृत्व में काम करने, गुरु की बात मानने का वादा किया। समझौते की शर्तों को तारा गुरु ने सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया तो विनायक उर्फ छोटे किन्नर ने भी सबके सामने शर्त स्वीकार की। पंजाब के एसटी टीवी के लिए आरा से राकेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।